हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि अभी इंडिया के अंदर रेडमी के 50i लॉन्च हो गया 5G के साथ, जिसकी प्राइस रखी गई है 26,000 रुपये। और इसमें 26,000 में आपको मिल जाएगा 6 GB प्लस 128 GB का वेरियंट, जो कि इसका बेस वेरियंट है। और इसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रोसेसर भी मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। कैमरा भी अच्छा ही है, लेकिन प्रोसेसर के मामले में कब ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसमें स्पीकर भी ड्यूअल मिल जाते हैं। तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आपको इसमें सिर्फ जो डिस्प्ले है वही अमोल डिस्प्ले नहीं दी गई है, बाकी सब कुछ अच्छा दिया गया अभी के टाइम के हिसाब से। तो अमोल डिस्प्ले आपको इसमें क्यों नहीं मिलती है, ये सब लोगों के मन में सवाल आ रहा है। तो आज इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूँ। मेन जो इसमें हाईलाइट है वो है इसमें आपका मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8100 का प्रोसेसर, और इसमें आपको रैम मिल जाती है वो भी LPDDR5 प्लस। आपको इसमें UFS 3.1 का स्टोरेज मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी स्पीड इसमें देखने को मिलेगी। और इसमें जो डिस्प्ले दिया गया है वो है 144Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, जो कि डॉल्बी विजन के सपोर्ट के साथ आ जाता है। प्लस HDR10 का सपोर्ट भी इसमें देखने को मिल जाता है, तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले का आउटपुट देखने को मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं इसकी, इसमें अमोल डिस्प्ले नहीं दिया गया, इसका वजह क्या है। सबसे पहली वजह यही है, अगर आपको इसमें अमोल डिस्प्ले देखने को मिलता या दे देती कंपनी, तो इसकी जो प्राइस 26,000 रुपये नहीं होकर आपको 30,000 मिनिमम हो ही सकती थी। मतलब 5 से 6,000 रुपये इसकी जो प्राइस है बढ़ सकती थी, तो आपका जो बजट है वो काफ़ी बढ़ाना पड़ता है। तो इस वजह से कंपनी ने इसमें अमोल डिस्प्ले नहीं दिया है। अगर अमोल डिस्प्ले दे देते तो इसकी प्राइस ज़्यादा रखनी पड़ती, जिसकी वजह से हो सकता था कि यह स्मार्टफोन हर कोई खरीदी नहीं। तो बजट में रखने के लिए इसमें अमोल डिस्प्ले नहीं दिया गया है। और 144Hz की रिफ्रेश रेट के साथ अगर अमोल डिस्प्ले दे भी देते तो हो सकता है इसकी जो प्राइस है वो 35,000 रुपये तक भी पहुंच सकती थी, क्योंकि अमोल डिस्प्ले काफ़ी महंगा पड़ता है। और जो ये जो स्मार्टफोन है ये गेमिंग वालों के लिए टारगेट किया गया है, और रेडमी जो ये कंपनी है शाओमी, वो चाहती थी कि ये जो स्मार्टफोन ये लॉन्च कर रही है वो बजट में रखे। तो इसी वजह से इन्होंने अमोल डिस्प्ले नहीं देकर LCD डिस्प्ले दिया है, जिसका नाम रखा गया है लिक्विड FFS LCD डिस्प्ले, जो कि नॉर्मल LCD डिस्प्ले होता है उनसे भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसा मत सोचना कि इसमें LCD डिस्प्ले है तो इतना अच्छा आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको अच्छे व्यूइंग एंगल देखने को मिलेंगे, इसमें आपको अच्छे कलर देखने को मिलेंगे, इसमें आपको ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, और हर मामले में यह नॉर्मल LCD डिस्प्ले से काफ़ी आगे निकल जाता है। तो बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क रहेगा कि बस अमोल डिस्प्ले नहीं है, बाकी डिस्प्ले आउटपुट इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो नो डाउट इसमें आपको अगर गेमिंग करनी है तो ये स्मार्टफोन आप ज़रूर से ले सकते हैं, सिर्फ आपको गेमिंग से मतलब है, क्योंकि इसमें गेमिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। बाकी जो बात करें कैमरा की, तो कैमरा इसमें कुछ खास तो मिलने वाला है नहीं, कोई नॉर्मल 64 MP 8 MP का वाइड एंगल 2 MP का मैक्रो कैमरा और 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी कैमरे के मामले में इसने कुछ खास किया नहीं, सारा कुछ जो भी इन्होंने दम लगाना था वो सारा प्रोसेसर में, इसकी रैम में, इसके स्टोरेज में दम लगा लिया है, प्लस इसके डिस्प्ले में दम लगा लिया है। और इसके जो स्पीकर है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ड्यूअल स्पीकर आते हैं, डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आते हैं। इसमें फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। और एक और चीज़ दोस्तों, इसमें जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छा बैकअप देखने को मिलेगा, और इसमें 5G तो इसने दे ही रखा। तो अगर आपको गेमिंग ही करनी है, स्पेशली आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए और आपका बजट 25,000 रुपये तक है, तो आप ये स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की नई वीडियो लाता रहूँगा।